हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, एक नए सेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज का जो प्रश्न होने वाला है दोस्तों, टेक्निकल, और टेक्निकल में दोस्तों थ्योरी का ये जो इलेक्ट्रिकल एसोसरीज है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल एसोसरीज से जो प्रश्न आया था पिछले बार प्रीवियस पेपर में, उस पर बात करेंगे। अब मैं आप लोगों को बता दूँ दोस्तों कि इस चैप्टर से जो है इलेक्ट्रिकल एसोसरीज से पूरे इलेक्ट्रिकल में सबसे ज़्यादा प्रश्न यानी कि यहीं से पूछा गया था। सबसे यानी कि जो ज़्यादा प्रश्न था, सबसे छोटा चैप्टर है, और साथ ही साथ जो है इसे प्रश्न जो आया था लगभग 26 से 27 प्रश्न पूछा गया था। और वो जो प्रश्न जो पूछा गया था ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया था। और मैं आशा करता हूँ कि इस बार भी इसी प्रकार का प्रश्न आप लोगों को यहीं से ज़्यादा देखने को मिले। और मैं बता दूँ कि प्रत्येक शिफ्ट में लगभग जो है यानी कि 5 से 6 प्रश्न जो है, 5 शिफ्ट हुआ था उसी हिसाब से यानी कि 26 प्रश्न पूछा था यहाँ पे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये चैप्टर और सेशन होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न दिया हुआ है, सर्किट ब्रेकर में सर्किट का निर्माण और विच्छेदन किसका बात कर रहा है। सबसे पहले यानी कि एयर का कह रहा है, और एयर सर्किट ब्रेकर में यानी कि निर्माण के साथ साथ यानी कि विच्छेदन किस माध्यम से होता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले यानी कि एयर सर्किट ब्रेकर की बात कर रहा है, और एयर सर्किट ब्रेकर की अगर बात किया जाए विच्छेदन का, तो उसमें हम एयर का ही प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? एयर का प्रयोग करेंगे। अगर प्रश्न में वायल सर्किट ब्रेकर का पूछता, तो हम इसमें यानी कि विच्छेदन के लिए हम वायल का ही प्रयोग करते हैं। किसका? वायल का ही प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ अगर गैस का पूछता, तो हम उसमें यानी कि गैस का ही प्रयोग करते। तो सीधा सीधा यानी कि यहाँ से पॉइंट क्लियर है कि जिस प्रकार का सर्किट ब्रेकर होगा और विच्छेदन के माध्यम से जो आर्क को जो बुझाया जाता है, हम उसी का ही प्रयोग करेंगे जिस पदार्थ से सर्किट ब्रेकर बना हुआ है। अगर एयर सर्किट ब्रेकर है तो एयर का प्रयोग करेंगे, वायल सर्किट ब्रेकर है तो वायल का प्रयोग करेंगे, ये ध्यान में रखिएगा। अब रही बात कि वायल सर्किट ब्रेकर का जो उपयोग करते हैं, 132 किलो वोल्ट तक किया जाता है। कितना तक किया जाता है? 132 किलो वोल्ट तक किया जाता है। साथ ही साथ एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर का जो उपयोग किया जाता है, यानी कि अप टू 400 किलो वोल्ट तक करते हैं। कितना तक? 400 किलो वोल्ट तक करते हैं, इससे ऊपर तक भी किया जाता है। ये सब ध्यान में रखिएगा, छोटा छोटा प्रश्न पूछा जाता है। एक तो होता है यानी कि एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर, ठीक है, तो एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर जो होता है बहुत यानी कि छोटे लगभग 250 वोल्ट और 1 से लेकर के यानी कि 5 एम्पियर तक इसका प्रयोग किया जाता है। ये सब ध्यान में रखिएगा, प्रश्न बार बार पूछा जाएगा और यहीं से प्रश्न पूछा जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन आप लोगों के लिए होने वाला है। साथ ही साथ बता दूँ कि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चन में है कि अर्थ लिखित करंट का पता लगाने के लिए अर्थ लीकेज करंट का पता लगाने के लिए लीकेज करंट के पूर्व निर्धारित मान से अधिक होने का सप्लाई को डिस्कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला कंट्रोल उपकरण क्या है। देखिए प्रश्न में जान कुछ है नहीं, लेकिन घुमा के पूछ दिया है। देखिए प्रश्न पढ़िएगा तो आप लोगों को लगेगा कि हम कभी पढ़े नहीं किए हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये यहाँ पर क्या कह रहा है? तो सबसे पहले यानी कि अर्थ करंट का कह रहा है, और अर्थिंग के लिए मेनली रूप से यानी कि जो अर्थिंग का जो प्रयोग किया जाता है, वो लीकेज धारा से क्या करता है? अर्थिंग तो सुरक्षा प्रदान करता है। अब ही बात कि लीकेज धारा से जो सुरक्षा प्रदान करता है, तो उसके लिए हम ईएलसीबी का प्रयोग करते हैं। किसका? ईएलसीबी का प्रयोग करते हैं। प्रश्न यहां से पूछा जाता है कि ईएलसीबी किस प्रकार का डिवाइस है, तो ईएलसीबी की अगर बात किया जाएगा दोस्तों, तो ये वोल्टेज सेंसिंग डिवाइस है। किस प्रकार का? तो वोल्टेज यानी कि सेंसिंग डिवाइस है, है ना, वोल्टेज सेंसिंग डिवाइस है, ये ध्यान में रखिएगा। अब रही बात की इसके तुलना में अगर की बात कर लिया जाए, तो ईएलसीबी को जो है आरसीबी भी कहा जाता है, ये भी ध्यान में रखिए। हो सकता है कि आरसीबी का पूछे और आंसर वही है, लेकिन आप लोग पढ़े नहीं होंगे, जाने नहीं होंगे, तो वहां पे आंसर जो है कुछ और लगा के आ जाइएगा और वहां पे आप लोगों का नंबर जो है कटने वाला है, ठीक है। तो ऑप्शन किस में दिया है? ईएलसीबी, तो ऑप्शन डी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाएगा तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, जबकि ए में कह रहा है कि एमसीबी, तो एमसीबी का जो मतलब होता है, इसका एग्जाम में प्रश्न जो आता है फुल फॉर्म से आता है, यानी कि मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। एमसीबी किससे सुरक्षा प्रदान करता है? तो शॉर्ट सर्किट के साथ साथ, ठीक है ना, एमसीबी जो सुरक्षा प्रदान करता है वो शॉर्ट सर्किट के साथ साथ यानी कि ओवर वोल्टेज से भी सुरक्षा प्रदान करता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। फ्यूज का कार्य क्या है? तो दोस्तों फ्यूज का जो कार्य होता है यानी कि अति धारा से बचाता है। बहुत सारा बुक में आप लोगों को ओवर वोल्टेज से भी बचाने का ये दिया रहता है, ठीक है। अब रही बात यानी कि फ्यूज जो वर्क करता है किसके सिद्धांत पर काम करता है, तो देखिए दोस्तों ये धारा के हीटिंग इफेक्ट पर काम करता है, धारा के हीटिंग इफेक्ट पर यानी कि फ्यूज जो है वर्क करता है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। सभी पॉइंट आप लोगों को यहां से क्लियर हो गया है। तो चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया है उस पर भी बात कर लेते हैं।
अगला प्रश्न है, सामान्य परिस्थितियाँ के साथ साथ असामान्य स्थितियों के अधीन एक पावर सर्किट का निर्माण और एक विच्छेदन में सक्षम डिवाइस को क्या कहा जाता है। देखिए प्रश्न जो पूछा है ना, लेवल जो पूछा है ना, आप जानते हुए भी नहीं जानने वाला लेवल है भाई। सीधा सीधा बात यह है कि घुमा के प्रश्न पूछा गया है, और घुमा के प्रश्न ये पूछा गया है कि देखिए आप जानते होंगे कि सर्किट ब्रेकर का काम क्या है। तो सर्किट ब्रेकर का काम है कि विच्छेदन, साथ ही साथ यानी कि निर्माण भी करता है ये, ठीक है, यानी कि ओपनल भी करता है और साथ ही साथ यानी कि डिस्कनेक्ट भी करता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जब नॉर्मल चलता है तो वो उसका काम क्या है, वो अपने यानी कि काम को लगातार यानी कि बढ़ाता है, लेकिन जब कोई त्रुटि आता है तो क्या होता है, ऑटोमेटिक ही वो ट्रिप हो जाता है। तो सीधा सीधा बात है कि अगर आप लोग सर्किट ब्रेकर का पूछते तो पटाख से मार देते कि इसका यानी कि आंसर ये होगा, लेकिन घुमा के जब प्रश्न पूछ दिया है तो कुछ तो ढूंढना पड़ेगा ना भाई। तो देखिए तो राइट आंसर जो होगा इसका यानी कि सर्किट ब्रेकर सही हो जाएगा, क्योंकि सर्किट ब्रेकर का जो काम है वो अधीन स्थिति है, साथ ही साथ सामान्य स्थिति और असामान्य स्थिति में यानी कि पावर सर्किट को कनेक्ट करना और डिसकनेक्ट करना इसका मेनली काम है, ठीक है। ट्रांसफार्मर की अगर बात किया जाए तो ट्रांसफार्मर जो है यानी कि ईसी पे वर्क करता है। अगर इसको डीसी सप्लाई दे दिया जाएगा तो क्या होगा, अगर डीसी सप्लाई दे दिया जाएगा तो प्राइमरी वाइंडिंग क्या हो जाएगा भाई, तो प्राइमरी वाइंडिंग जो है यानी कि जल जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब रही बात कि ट्रांसफार्मर जो एसी पे जो काम करता है तो एसी वोल्टेज को स्टेप अप भी करता है, ठीक है ना, एसी वोल्टेज को स्टेप अप भी करता है और एसी वोल्टेज को यानी कि स्टेप डाउन भी करता है। अब स्टेप करेगा तो वहां पे धारा का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो धारा का वैल्यू यानी कि कम होने वाला है और यानी कि वोल्टेज का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, तो वोल्टेज का वैल्यू वहां पे बढ़ने वाला है कहां पे, तो स्टेप अप के केस में। वहीं पर स्टेप डाउन का अगर पूछ लेता तो इसका यानी कि अपोजिट होता है, यहां पर अगर धारा बढ़ रहा है तो वहां सॉरी कम रहा है तो स्टेप डाउन में धारा का बढ़ना, ठीक है। तो अब रही बात कि रिले है इसमें, तो रिले क्या है, तो रिले एक प्रकार का सेंसिंग डिवाइस है। क्या है भाई, तो रिले एक प्रकार का यानी कि सेंसिंग डिवाइस है, क्योंकि ये अर्थ सेंसिंग डिवाइस है, ये फॉल्ट होता है तभी ऑपरेट होता है। रिले क्या है, तो जब फॉल्ट होता है यानी कि सर्किट में तभी क्या होता है, तो ऑपरेट होता है, वैसे ये ऑपरेट नहीं होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। अब रही बात कि स्टार्टर, तो स्टार्टर क्या है, तो स्टार्टर के बारे में आप लोग जानते होंगे कि स्टार्टर जो है ये मशीन का स्टार्ट करने का विधि भी है और सुरक्षा भी प्रदान करता है। साथ ही साथ स्टार्टर की अगर बात किया जाए तो DOL स्टार्टर होता है। क्या होता है, तो DOL स्टार्टर होता है। उसके बाद यानी कि स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है, उसके बाद जो है स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है, उसके बाद जो है DOL स्टार्टर होता है, स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है, और तमाम, ठीक है ना, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर होता है, और बहुत सारा स्टार्टर जो है ये स्टार्टर का प्रकार है। अब रही बात DOL स्टार्टर जो होता है दोस्तों, 5 HP तक यानी कि इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए हम प्रयोग में लेते हैं। तो ये सब ध्यान में रखिएगा, यहाँ से प्रश्न काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, क्या कि बता ही दिए हैं शुरू में ही कि इससे 25 से 26 प्रश्न जो है प्रीवियस पेपर में पूछा गया था। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है, क्या नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड NEC के अनुसार मोटर लोड के लिए ओवरलोड रिले सेटिंग कितनी होनी चाहिए। किसका कह रहा भाई, तो यानी कि नेशनल कोड जो नियम होता है इलेक्ट्रिकल का, उसके हिसाब से ओवरलोड कितना होना चाहिए। तो अगर देखा जाएगा दोस्तों, तो इसके हिसाब से अगर ओवरलोड का अगर बात कर रहा है तो इसका जो ओवरलोड होना चाहिए दोस्तों वो 125% होना चाहिए। कितना, 125% होना चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा हम ओवरलोड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन किस में दिया है, 125%, तो ऑप्शन बी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाएगा तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। 110% इसको ओवरलोड नहीं कर सकते हैं, ना 150% कर सकते हैं, ना 200% कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि वाइल्ड सर्किट ब्रेकर में चिंगारी को बुझाने के लिए हम प्रयुक्त किया गया माध्यम कौन सा है। तो पहला ही प्रश्न आया था, मैं उसमें ही क्लियर कर दिया था कि जिस प्रकार का सर्किट ब्रेकर है, जैसे वाइल्ड सर्किट ब्रेकर है और वाइल्ड में अगर चिंगारी को बुझाना है, ठीक है, वाइल्ड में अगर यानी कि चिंगारी को बुझाना है तो हम वाइल्ड का ही प्रयोग करेंगे, ना कि हम वहाँ पर हवा का प्रयोग करेंगे, ना ही हम एयर का, ना ही
मोबिल या ग्रीस का प्रयोग करेंगे। सीधा सीधा बात यह है कि जिस सर्किट जिसका यानी कि सर्किट ब्रेकर बना हुआ है उसी का हम प्रयोग करते हैं। अब रही बात कि वाइल सर्किट ब्रेकर है तो यानी कि तेल का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि ए में जो दिया हुआ है वाइल सर्किट ब्रेकर दिया हुआ है, ठीक है ना। हवा का प्रयोग कहाँ पर करेंगे तो एयर सर्किट ब्रेकर में करेंगे, ठीक है। एयर यानी कि ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर जो होता है वहाँ पर हम इसका प्रयोग करेंगे एयर का। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में यानी कि वैक्यूम का प्रयोग करेंगे, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्किट ब्रेकर ग्राउंड फॉल्ट प्रोटेक्शन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। देखिए पिछले बार जो एग्जाम हुआ था यानी कि BSPSCL का यानी कि PCL का जो एग्जाम हुआ था, आप लोग ध्यान से समझिएगा, जो प्रश्न आया था ना वो रिपीटेड प्रश्न बहुत सारा था। प्रत्येक शिफ्ट में लगभग जो है 4 से 5% जो है पिछले एग्जाम वाला पूछा था, तो लगभग जो है यानी कि 4 से 5% रिपीट हुआ था प्रत्येक सेट में। एक में जो सेट था, एक में जो क्वेश्चन था, वही दूसरा में तीसरा में ऐसे करके, यानी कि रिपीटेड प्रश्न काफी ज्यादा पूछा गया था, ठीक है। अब रही बात कि क्या कह रहा है कि कौन सा फॉल्ट के लिए कह रहा है, क्या कह रहा है भाई, तो फॉल्ट के लिए, तो ग्राउंड फॉल्ट के लिए हम ELCB का प्रयोग करते हैं। किसका, ELCB का या RCB दिया रहेगा ऑप्शन में, कहीं कहीं RCCD रहता है, तो उसका यानी कि इससे तुलना नहीं कीजिएगा, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो अर्थ लिखे सर्किट ब्रेकर का जो प्रयोग किया जाता है ऑप्शन डी में है, करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो डी सही हो जाएगा। ए में दिया है कि मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर दोस्तों घरेलू में उपयोग करते हैं, किसमें, तो घरेलू में इसका प्रयोग किया जाता है। एयर सर्किट ब्रेकर है, वाइल सर्किट ब्रेकर है, तो एयर सर्किट ब्रेकर भी बहुत कम क्षमता तक उपयोग किया जाता है, 250 वोल्ट तक। एयर ब्लास्ट का प्रयोग हम काफी ज्यादा तक करते हैं, 400 किलो वोल्ट तक। उसमें जो उसमें यानी कि रेसिस्टेंस स्विचिंग का प्रयोग किया जाता है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में, ठीक है, ये सब ध्यान में रखिएगा। अब रही बात की अर्थ लिखे सर्किट ब्रेकर डी में दिया है, करेक्ट आंसर इसका डी सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूं 16 प्रश्नों को आप लोग अच्छा से समझे होंगे। कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। साथ ही साथ ये PDF लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ अगर आप लोग मेरा टेक्स्ट भी ज्वाइन करना चाहते हैं या PDF पैनल या हैंड नोट्स लेना चाहते हैं या ऑब्जेक्टिव का नोट्स, यानी कि बहुत सारा आप लोगों को मटेरियल मिलने वाला है, तो मात्र 49 रुपया उसका प्राइस है। आप लोग उसको ज्वाइन करके मैसेज कर सकते हैं, आप लोगों को सारा कुछ वहां से मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।